2 दिन से जो फिजिकल चल रहा है एसएससी जीडी का, जिसमें देखा गया है कि 50% से भी ज्यादा लड़के फिजिकल के अंदर फेल हो जा रहे हैं, यानी कि रनिंग के दौरान वह सिर्फ 200 मीटर 300 मीटर जैसे कि 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर ही काफी बच्चे फेल हो जा रहे हैं या फिर वो हार मान ले रहे हैं। क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगिंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगिंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने भी काफी देखे होंगे YouTube के ऊपर भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं लाइव जो रनिंग दिखा रहे हैं उसके ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखा गया है कि मैंने भी फील किया है कि जब रनिंग आप स्टार्ट करते हैं यानी कि जो 5 किलोमीटर का एक चक्कर होता है उसमें तो ज्यादातर लोगों को इतना परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन काफी बच्चे जो 2.5 किलोमीटर जाना फिर 2.5 किलोमीटर टोकन लेकर वापस आने के अंदर काफी बच्चे फेल हो रहे हैं। क्या होता है कि आप जो है आपका अपना जो पूरा स्टेमिना है अपने साथ दौड़ने वाले को देखकर आगे दौड़ते जाते हैं, यानी कि जैसे कि आपका टाइमिंग आ रहा है 25 मिनट 26 मिनट या फिर आप 24 मिनट से अंदर आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 2.5 किलोमीटर जाने के बाद वह वापस घूमकर आपके सामने से जैसे मुड़ रहा होता है तो आप देखते हैं कि यार मेरे से तो बहुत दूरी हो गई, तो आप उसको खींचने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि आपका टाइमिंग 24 मिनट्स के अंदर है, बट क्या करते हैं कि आप ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं, ज्यादा ताकत लगा देते हैं, जिससे कि आप हार मान जाते हैं। यानी कि आप मानोगे नहीं दोस्तों कि एक ऐसे भी बंदे थे कि सिर्फ 200 मीटर ही बचा है, सिर्फ 200 मीटर बचा है, टाइमिंग भी उसके पास बहुत है, अगर वो पैदल पैदल चल के भी आ जाए तो भी वो पास हो जाए, फिर भी वो उससे चला नहीं गया, वो वहीं पर बैठ गया पेट पकड़ गया। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, यानी कि अगर 2.5 किलोमीटर जाना 2.5 किलोमीटर आना है तो आपको अपने स्टेप को फॉलो करना है। देखिए अगर पहला व्यक्ति 17 मिनट के अंदर आ रहा है और अगर आपका टाइमिंग जो है 23 मिनट है तो आप मान के चलिए 6 मिनट का टाइमिंग होता है और 6 मिनट के अंदर कितने मीटर का गैप होना चाहिए। इजिली अगर लोग देखते हैं तो आर्मी में तो 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने वाले का सिलेक्शन ही नहीं हो पाता है, उससे भी कितने धावक तेज दौड़ते हैं। तो आप मान के चलिए कि उसके और आपके बीच में मिनिमम कम से कम 1000 मीटर का गैप होता है, वो स्वाभाविक है। जो फर्स्ट बंदा है वो अगर इतना तेज दौड़ रहा है अगर आप उसको देखकर अपने स्टेप बढ़ा देंगे तो फिर आपकी जो है पैर पूरी तरह भर जाएंगे, आपका मनोबल डाउन हो जाएगा और आप जो है पास नहीं हो पाओगे। तो पहला टिप्स ये है कि पहले बंदे को देखकर नहीं दौड़ना, आप जो आपके साथ ग्रुप है उसको देखिए। अगर आप घड़ी बांध रखे हैं तो अपनी घड़ी के ऊपर विश्वास कीजिए, अगर वॉच बांध रखा है तो वॉच के ऊपर टाइमिंग देखते रहिए, कितना टाइमिंग है, कितना क्या है क्या नहीं, कितना टाइम बचा है, कितना तेज करें। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, अदरवाइज आपको कोई भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या करते हैं कि जाते समय ही लोग बता देते हैं, अरे यार ऐसे करना है वैसे करना है, ये खा लो वो खा लो। देखिए आपका टाइमिंग जो है सही समय पे आपका रनिंग स्टार्ट हो रहा है, आपको भरी दोपहर में तो इतना नहीं दौड़ा जा रहा है, आपका सुबह सुबह ही आपका रनिंग हो रहा है, तो आपको जो है हाइड्रेटेड रहना है। यानी कि अगर किसी का रनिंग लेट भी हो रहा है तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि इलेक्ट्रोल पाउडर ORS इस प्रकार की चीजें को पीते रहना है और अपने बॉडी के अंदर कार्ब्स लोडिंग रखना है। कार्ब्स क्या होता है, एनर्जी होता है, यानी कि आपने जैसे कि रनिंग से 10 मिनट पहले, आपको कार्ब्स लोडिंग के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, रनिंग करने के 2-3 दिन पहले की बात है ये, जैसे आपका कल है या परसों है तो आप उससे पहले कर सकते हैं, यानी कि आप जो है केले खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, इस प्रकार का लाइट भोजन करने से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों देखा गया है कि काफी बच्चे हाइट में भी फेल हो रहे हैं। अब देखिए मैं आपको हाइट का बता दूं, आपका हाइट एकदम परफेक्ट है, आप अपने नपा रखे हैं तो आपको वहां पर जाकर जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम क्या करते हैं घबराने के चक्कर में, जैसे मैं सीधा बैठा हूं आप देखिएगा मेरा हाइट, अभी मैं क्या करूंगा ऐसे ऊपर देखूंगा, जैसे मैं ऊपर देखूंगा तो सामने वाला आपको सीधा कर देगा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप ऊपर किए आपकी गर्दन यहां पर आपका जो है हेड के ऊपर वो नापता है, ये पीछे चला गया। अगर मैं इसी को नीचे की तरफ लाऊंगा, वो सामने वाला जो आपका हाइट नाप रहा है उसकी नाभि की तरफ देखूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं नजर उसकी नाभि की तरफ देखूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरी जो है हाइट जो है बढ़ गई है, बढ़ नहीं गई है, एक मेरा सही पोस्चर सही हो गया है जिससे कि मेरा हाइट नापा जा सकता है। तो आप जो है उसे इस प्रकार से ऊपर की तरफ देखने की बजाय आप जो है उसकी नाभि की तरफ देखिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति को भी कॉन्फिडेंस हो जाए आप पर कि आप किसी प्रकार का भी कोई छल
यानी कि आप जो है आंखों में धूल झोंकने वाला काम नहीं कर रहे हैं। आपकी हाइट है, आपका परफेक्ट है, अगर आप फिट हैं तो फिट हैं, बट अगर आप कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे कि आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है, तो हाइट के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, ऊपर नहीं देखना है, सामने वाले की नाभि में देखना है, ठीक है? तो परफेक्टली आपकी हाइट बैठ जाएगी, निश्चिंत होकर जाइए, एकदम फ्री माइंड रखिए, हो जाएगा। अब तीसरी बात, कहां पर बच्चे ज्यादा फेल हो रहे हैं? चेस्ट में। देखिए, आपने जो घर पर चेस्ट नापा है, आपने जो घर पर प्रैक्टिस किया है, आपने चाहे यहां से नापा हो चाहे यहां से नापा हो, वो मायने नहीं रखता है। जहां पर भारत सरकार के द्वारा, सक्षम अधिकारी के द्वारा आपका जो मापदंड के ऊपर आपको वहां खरा उतरना है, ठीक है? तो पहले से ही अपने माइंड में ऐसा मत रखिए, मैं पहले से ही थोड़ी सी सांस को अंदर भर के रखूं। देखिए, अगर आपने सांस अंदर भर रखी है तो जब आप और 5 इंच फुलाने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, आपकी सांस टूटेगी। टूटने पर क्या है कि आपका जो स्टेप है वो लूज पड़ेगा, और लूज पड़ेगा तो सामने वाले आदमी को या फिर जो भी सरकार सक्षम अधिकारी है उसको पता चलेगा कि आप आंखों में धूल झोंकने वाला काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का काम तो बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। देखिए, आपका जैसे चेस्ट नाप रहे, चेस्ट नापने से पहले आप आराम से सटाप आप जो है पुशअप मार सकते हैं। पुशअप का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसमें आपको क्या करना है, 10 तक जाना है, 10 10 10 के बाद 10 9 8 7, इस प्रकार से नीचे, यानी कि इसको पिरामिडिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिएगा, कोई मना नहीं करेगा कि आपने पुशअप क्यों लगा दी ये, पर याद रखिएगा दोस्तों, इतनी भी सांस मत फुला दीजिएगा पुशअप मार मार के कि 5 इंच आप बाद में फुला भी ना सको। तो जो है आप उसको इतना ही परफॉर्म कीजिएगा जिससे कि आप इजीली पास हो जाएं। अगर आपकी चेस्ट थोड़ी कम है, आप पुशअप कर लीजिए निश्चिंत होकर। पुशअप का मैंने बता दिया है, 10 तक जाइए, 10 से सीधा 1 आइए, फिर 10 जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी जो चेस्ट है पंप हो जाएगी। पंप का क्या होता है, जैसे आप पुशअप करेंगे ना तो चेस्ट के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो अगर बढ़ गया ना तो आपका क्या है कि थोड़ा साइज बढ़ा हुआ दिखता है, यानी आपको पता है ना एक्सरसाइज के बाद साइज बढ़ा हुआ दिखता है, तो इसी प्रकार से बढ़ा हुआ दिखेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप चेस्ट नपाने जा रहे हैं, आप इजीली कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आप क्यों नाप रहे, आप क्यों ये कर रहे हैं, क्यों, शर्माना नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन इतना है कि उनके सामने नहीं करना है, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी आपकी आपको कोई माइंड में कंफ्यूजन है। तो इस प्रकार से उनके नहीं, थोड़ा सा साइड में हटकर इजीली आप आराम से बैंड लगाइए, बैंड लगाकर जाइए और अपना चेस्ट फिट हो जाइए। तो चेस्ट में तो कोई दो मेरे दोस्तों कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपने ये परफॉर्म पिरामिड की एक्सरसाइज कर ली, 10 तक गए, 10 से फिर 1 तक आए, 10 9 8 7 5 4 3 2 1, और फिर 10 गए, इजिली आपकी जो है चेस्ट एकदम से पंप हो जाएगी, चेस्ट आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके साथ ब्रीदिंग को भी कंट्रोल रखना है। उस समय ऐसे नहीं कि आप 2 इंच पहले से ही फुला के बैठ जाओ, ये गलती नहीं करना, मैंने काफी बच्चों में देखा है, इसलिए मैं आपको तो पहले से दोस्तों, आगाह कर रहा हूँ। अब बात आती है कि अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी जोगिंदर कमांडो पर मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली जल्द से जल्द मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो अलविदा दोस्तों, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।